Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने 14 जून को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वो मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे और डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। अब एक्ट्रेस और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। एक टीवी इंटरव्यू में अंकिता ने कहा है, जब ये न्यूज़ आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया, इस चीज़ को स्वीकार करने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सुशांत उस तरह का इंसान नहीं था जो डिप्रेशन में हो, जिसे किसी चीज़ का दुख हो और वो सुसाइड कर ले। उसकी वैसी पर्सनालिटी ही नहीं थी, वो हैप्पी मैन था। शायद मैंने और सुशांत ने इससे बुरी बुरी सिचुएशन ज़िंदगी में फेस की होंगी। जितना मैं सुशांत को जानती हूँ, वो डिप्रेस इंसान नहीं था। अंकिता ने कहा, मैंने सुशांत के जैसा इंसान नहीं देखा जो अपने सपने लिखता था। वो बहुत लिखता था और अपने सपने पूरा करता था। जब ये बोला जाता है कि वह डिप्रेशन में था, तो ये उस इंसान के लिए बहुत गलत शब्द है। वह डिप्रेस नहीं हो सकता, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन नहीं। मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूँ कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। अंकिता ने कहा, मैं नहीं चाहती कि लोग उसे एक डिप्रेस इंसान के तौर पर याद रखें। लोग उसे एक हीरो के तौर पर उसे याद रखें जो एक छोटे शहर से आया, अपना नाम बनाया, अपने दम पर जिंदगी जी। वो डिप्रेशन था। मालूम हो कि सुशांत और अंकिता लोखंडे 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक ही दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। शो पवित्र रिश्ता की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ था, लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है और इनको लेकर जो सारा मामला है, वो अब रिया चक्रवर्ती की तरफ घूमने लगा है। देखते हैं कि जांच में क्या सामने आता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत सही में डिप्रेस थे या फिर उनको डिप्रेशन में लाया गया था। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।